एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की कुछ मेजर्स, मीन, मीडियन एंड मोड। उनकी मेरिट्स, डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और कैसे कैलकुलेट करना है सिंपल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है वन वैल्यू, वन नंबर, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डेटा सेट। जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास सीरीज है नंबर्स की, उसमें से आपने एक नंबर ऐसी चुननी है जो पूरे के पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट कर सके। वो एक नंबर जो आपने चूज की है उसको बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। तो बहुत सारी सेंट्रल टेंडेंसीज हमारे पास अवेलेबल है, सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स अवेलेबल है, जिसमें से तीन इंपॉर्टेंट, मीन, मीडियन और मोड, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है मीन। तो मीन को हम कॉमन लैंग्वेज में एवरेज बोल देते हैं, जबकि इसको प्रॉपरली अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, क्योंकि मीन के भी हमारे पास तीन टाइप्स हैं। दो और मीन है हमारे पास, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो तीन मीन है हमारे पास, लेकिन जो अर्थमेटिक मीन है इट इज मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड और इसी को हम मीन बोलते हैं। इनफैक्ट इसको एवरेज भी बोलते हैं हम, और एवरेज जबकि स्टैटिस्टिक्स में सारी के सारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को एवरेज बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स में। बट हम कॉमन लैंग्वेज में एवरेज से क्या समझते हैं? अर्थमेटिक मीन। मीन से क्या समझते हैं? अर्थमेटिक मीन। जबकि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन भी है जिसका अलग पर्पस है। ज्योमेट्रिक मीन का यूज होता है इन केस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। जब आपके पास डेटा है x1, x2, x3, ये अलग अलग यूनिट्स का है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है nth रूट ऑफ टोटल नंबर, टोटल प्रोडक्ट ऑफ दी टोटल, जो भी वैल्यूज हैं आपकी उनका प्रोडक्ट का nth रूट। nth यानी कि जितने भी नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं x और y, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट x इंटू वाई। वहीं अगर आपके पास तीन नंबर्स होंगी तो उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा x इंटू वाई इंटू जेड का क्यूब रूट। इसी तरह से चार नंबर्स होंगी तो फोर्थ रूट होगा, पांच नंबर्स होंगी तो सिक्स्थ रूट होगा, किसका? जो भी नंबर्स हैं अंदर x, y, z, उसके आगे जितनी भी हैं। जैसे तीन के केस में तीन है आपके पास, चार के केस में चार है। हार्मोनिक मीन का यूज होता है जब आपके पास डेटा कैसा है, रेट्स वाला है, जैसे एक्सीलरेशन, स्पीड, तो उसमें क्या है? रेट है। तो इसका भी फॉर्मूला है n अपॉन सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल्स का सम सम डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमरेटर में आएगा टोटल वैल्यूज। मान लो आपके पास दो वैल्यूज हैं x और y, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका 2 और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, रेसिप्रोकल्स का सम। 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अंडरस्टैंड? सो ये तो हो गए हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन और इसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, फॉर्मूला। तो अर्थमेटिक मीन से मतलब है कि सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो भी है ऑब्जर्वेशंस आपकी, उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये देख लीजिए फॉर्मूला, एन नीचे आ गया, एक्स आई ऊपर आ गया, जितनी भी नंबर्स हैं उनका सम। तो सिग्मा एक्स आई का मतलब है जितनी भी इन्फिनिटी तक जितनी भी आपके पास नंबर्स है उसका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितनी है, वो काउंट करके डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका रॉ डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। जब आपके पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा होता है तो उस केस में फॉर्मूले में आपके एफ एक्स का सिग्मा आएगा। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशंस का नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन इंटू फ्रीक्वेंसी सम में आएगी, और नीचे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जितनी भी होगी, नीचे टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम आएगा और ऊपर सम आएगा फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस के मल्टीपल का। तो ये आगे हम सॉल्व करके देखेंगे। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट इसकी मेरिट है दैट इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। आपने बहुत आसानी से इसको समझ लिया होगा, कॉमन पीपल भी इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एवरेज बोलते हैं चाहे इसको मीन ही बोलते हैं, बट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। सेकेंड, इट इज
रिजिडली डिफाइंड, ये एक ऐसी एवरेज है वो रिजिडली डिफाइंड है, अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बेस्ड है, जो भी इसको कैलकुलेट करेगा सेम रिजल्ट्स पाएगा, इट इज रिजिडली डिफाइंड, देयर इज नो मिस इंटरप्रिटेशन, बहुत सिंपल है, एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। यहाँ आप सिग्मा ले रहे हैं, सबका सम ले रहे हैं, सारी के सारी ऑब्जर्वेशंस का, सो इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। फोर्थ इसकी मेरिट है दैट इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। अगर आपके सैंपल में फ्लक्चुएशंस भी हैं तब भी ये लीस्ट अफेक्टेड होती है कंपेयर टू अदर जो आपकी मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, क्योंकि इसमें हम सारी वैल्यूज को लेकर चलते हैं, तो इसलिए इसका सैम्पलिंग की फ्लक्चुएशंस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एंड इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो ये एक ऐसी वैल्यू है, क्योंकि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, तो इससे आप आगे भी इसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मीन है, मीन को मैं यहाँ एक्स बार से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो इन केस ऑफ एक ऐसी सिचुएशन है जबकि आप आपके पास मीन भी है और सम भी है, तो आप नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एन इज इक्वल टू सम अपॉन एक्स बार। उसी तरह से अगर आपके पास मीन और नंबर्स पता है तो आप सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सम इज इक्वल टू मीन इंटू टोटल नंबर्स। जितनी भी नंबर्स हैं आपके पास, वैल्यूज हैं, उसको जब मीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आपके पास मिल जाएगा। क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला पे बेस्ड है, इट कैन बी यूज्ड फर्दर फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिनको डिमेरिट्स बोलते हैं, और उसमें से फर्स्ट है दैट इट इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। क्योंकि हम सारी ऑब्जर्वेशंस को लेते हैं और सारी ऑब्जर्वेशन में मान लो एक भी ऐसी वैल्यू है जो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत एक्सट्रीम है, तो उस केस में मीन जो है वो अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स की क्लास है, वहाँ पे सारे बच्चे जैसे मान लो 20 वाली एज के बच्चे, एज ग्रुप के बच्चे हैं 20 से लेकर 25 तक के, और कोई वहाँ पर 40 या 50 की एज का एक स्टूडेंट है मान लो, तो उस केस में एक्सट्रीम वैल्यू अफेक्ट करती है मीन की वैल्यू को। उसी तरह से इनकम है, फॉर एग्जांपल किसी विलेज के एम्प्लॉय विलेज के लोगों की, तो विलेज में मान लो सारे कॉमन पीपल हैं, एक उसमें कोई मिलीनियर बिलीनियर है, तो उसकी इनकम का इफेक्ट पड़ेगा जो एवरेज इनकम गांव की आएगी, हाउस होल्ड इनकम। तो इट्स वेरी मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरी, इन केस ऑफ ओपन एंड इंटरवल, आपको कोई वैल्यू ही पता नहीं है ऑब्जर्वेशन की, आपको सारी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप मीन कंप्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपने सबको ऐड करना है। इन केस ऑफ ओपन एंड इंटरवल, जिसमें कोई क्लास इंटरवल का आपको नहीं पता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं पता है, या कोई वैल्यूज मिसिंग है, यू कैन नॉट कैलकुलेट मीन। सो दैट इज इट्स सेकेंड लिमिटेशन। कैलकुलेट कैसे करना है? सिंपल डेटा के लिए तो सबको वैल्यूज को सम कर दिया और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा हो, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो टेबल है यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा है, तो डिस्क्रीट डेटा में क्या है? ऑब्जर्वेशंस है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी है। तो हम क्या करेंगे? सम जो करेंगे वो फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस दोनों के मल्टीपल का करेंगे। 12 इंटू 10 120, 20 इंटू 23 460, 30 इंटू 35 1050। इस तरह से सारी वैल्यूज का मल्टीप्लाई करके सम फाइंड आउट करेंगे और ये आएगा आपका न्यूमिरेटर में सिग्मा एफ एक्स, और नीचे आएगा सिग्मा एफ एन अंडर अपॉन में, एंड यू गेट द मीन। वही इन केस ऑफ कंटिन्यूस डेटा, आपके पास कंटिन्यूस डेटा है जिसमें अलग अलग क्लास इंटरवल दे रखे हैं, आपको इनका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दोनों का मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, और उससे आपको क्या मिल जाएगा? मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करके आपके पास एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, 325 इंटू 5 1625, 375 इंटू 114 5250। तो इस तरह से आपके पास टोटल सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे इनको और इसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से, 200 से नीचे डिवाइड कर दिया और आपके पास मीन आ गया कंटिन्यूस डेटा के लिए।
नेक्स्ट जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन क्या है? ये एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है जो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को टू हाफ्स में डिवाइड करेगी। टू हाफ्स में डिवाइड करेगी यानी कि ये सेंट्रल वैल्यू होगी एज पर दी लोकेशन। तो डाटा को आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, फिर उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। दैट इज आपके पास अगर ऑड डेटा है 11 है तो 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि जो सिक्स्थ लोकेशन पे वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। इस तरह से आप करेंगे। वहीं अगर आपके पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा है तो इस तरह का फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, तो हम करके देखेंगे। उससे पहले हम मेरिट्स और डिमेरिट्स इसकी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मेरिट इसकी है कि दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। जस्ट लाइक मीन इट इज आल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वी अंडरस्टैंड दैट इट्स द सेंट्रल वैल्यू, बीच वाली वैल्यू है, बहुत इजी है समझने में भी और कैलकुलेट करने में भी। इट इज आल्सो रिजिडली डिफाइंड, ये भी रिजिडली डिफाइंड है। मैं कैलकुलेट करूँगी, आप कैलकुलेट करेंगे, सेम आएगा। प्लस ऑब्जेक्टिविटी है, प्लस देयर इज नो मिस इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग द मीडियन। इसके अलावा इसकी मेरिट है दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। जो हमारा मीन होता था दैट यूज टू बी अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज, लेकिन मीडियन में एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि हम सारी वैल्यूज को ऐड ही नहीं करते हैं। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंड इंटरवल एज वेल। आपको बीच में किस कोई वैल्यू नहीं भी पता है तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि बीच वाली कौन सी है। जस्ट यू नीड टू नो द टोटल नंबर कितने हैं वहाँ पे। तो अगर ओपन एंड इंटरवल भी है तब भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज लोकेटेड बाय ग्राफिकली ऑल्सो। मीन को हम ग्राफ के मेथड से नहीं निकाल सकते थे लेकिन मीडियन को निकाल सकते हैं। मीडियन को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेनी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज एक तो लेस देन होता है, एक मोर देन होता है। लेस देन कम्युलेटिव, मोर देन लेस देन, ठीक है, लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव। तो उसमें क्या होता है, जैसे क्लास इंटरवल है 0 to 10, तो लेस देन का मतलब है कि 10 से नीचे नीचे, और मोर देन का मतलब हुआ कि 10 से ऊपर ऊपर, इस तरह से होता है। तो आप जो भी आपकी लेस देन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आएंगी तो उसको जो कर्व्स आएंगे आपके, जैसे ये मान लो लेस देन का बन गया और ये मोर देन का बन गया, मोर देन का जो ये बीच में आपके जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं उसको अगर आप ऑब्जर्वेशन पे यहाँ पे देखेंगे एक्स पे एक, तो आपको मीडियन की वैल्यू मिल जाती है। तो मीडियन जो है इसको ग्राफिकली भी फाइंड आउट किया जा सकता है लेकिन मीन को ग्राफिकली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। तो दैट इज वन मेरिट ऑफ मीडियन ओवर, सेकंड मेरिट ऑफ मीडियन ओवर मीन। फर्स्ट वाज कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। लेकिन इसकी डीमेरिट्स क्या है कि एक फर्स्ट सारी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे नहीं होती है, ये पोजीशन के बेसिस होती पे होती है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है और इसके ऊपर आप एलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जैसे वहाँ हम सम निकाल पाते थे मीन से, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वी कैन नॉट डू एनी एलजेब्रिक ट्रीटमेंट विद मीडियन। इट इज़ अफेक्टेड बाय sampling fluctuation as well and it is not based on all the observations as well. So these are its demerits or limitations. अब discuss करते हैं कि calculate कैसे करना है median. तो median क्या है? It is the central value. यहाँ पे आप n देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 plus 1 upon 2th वैल्यू जो है दैट इज योर मीडियन, 7 plus 1 upon 2th। तो कौन सी हुई? 4th वैल्यू, 1, 2, 3, 4, दिस इज योर मीडियन। बट वट इफ वी हैड 1000 फर्स्ट वैल्यू और हमारे पास ये टोटल कितनी हो जाती? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल हो जाती 1, 2, 8 हो जाती। तो उस केस में हम क्या करेंगे, n बाय 2 करेंगे, दैट इज 8 upon 2 कितना आया, 4 प्लस 8 plus 2 अपॉन, दूसरा हम करेंगे
एन अपॉन टू प्लस वनथ, अंडरस्टूड? यानी कि उससे अगली, पहले हमने एन अपॉन टू लिया, ठीक है, टोटल एट है ये, तो एन अपॉन टू इसका फोर था, एन अपॉन टू अथ प्लस एन अपॉन टू प्लस वनथ डिवाइड बाय टू, यानी कि जो बीच वाली दो है उनका मीन निकालेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, एक फोर्थ वाली हो गई बीच वाली, एक फिफ्थ वाली हो गई बीच वाली, ठीक है, चार, तीन इस साइड, तीन इस साइड, बीच वाली दो, दिस इज एन बाय टू एंड दिस इज एन बाय टू प्लस वनथ, दिस इज एन बाय टू अथ, दिस इज एन बाय टू प्लस वनथ। तो इन दोनों का जो मीन होगा, मीन कैसे निकालेंगे, 1350 प्लस 1500 अपॉन टू, ये इसका मीन आ जाएगा, ये बनेगा आपका मीडियन। तो एक और लिमिटेशन आप यहाँ ऐड कर सकते हो मीडियन की, दैट इन केस ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स के केस में इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव, उसमें आप मीन निकालते हो, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। वही मीन की भी एक लिमिटेशन है कि एक्चुअली जो मीन वैल्यू आती है वो फॉल भी नहीं करती होती है डेटा में, ठीक है, आप मीन निकालते हो, डेटा में फॉल भी नहीं होती है, वो ऐसी वैल्यू होती है, जबकि मीडियन की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली डेटा में सीरीज में होती है अवेलेबल। तो ये मीडियन की प्लस पॉइंट है, और वही इसका वीकनेस भी है, क्योंकि इन केस ऑफ इवन नंबर्स हम मीन करते हैं तो वो सीरीज में नहीं होती अवेलेबल, जो आप इवन के केस में, क्योंकि इवन के केस में, ऑड के केस में तो हमने ले लिया मीडियन 1500, लेकिन जो इवन के केस में आएगा वो इन दोनों का मीन आएगा, जो इसमें होगा ही नहीं, इस सीरीज में तो वो होगा ही नहीं, वो नंबर कितना होगा, 18, 28, 50 अपॉन टू, 28, 00, 28, 50 अपॉन टू, इस तरह से होगा, दैट इज 2 वन्स आर 2, 2 फोर्स आर 8, 2 टूस आर 4, 2 फाइव्स आर 10, ठीक है, 1425 यहाँ कहीं फॉल ही नहीं करता है। तो इवन के केस में जो आपका आंसर आता है, जो आपका मीडियन आता है, वो सीरीज में होता नहीं है, जस्ट लाइक द मीन। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है मीडियन की, ठीक है। जब आपके पास डिस्क्रीट डेटा हो, जो इस टेबल में दे रखा है, तो उस केस में आप कैसे निकालेंगे मीडियन, आपने यहाँ पर इवन के केस में भी दे रखा है कि कैसे मीडियन निकालना है, 1100, 1200, 1350, 1500, 1550, तो देखिए इन्होंने बीच वाली दोनों का मीन लिया है, 1500 प्लस 1550 डिवाइड बाय 2, इस तरह से। तो ऑड के केस में आपने क्या करना है, एन बाय टू अथ एंड एन बाय टू प्लस वनथ, इन दोनों का मीन निकालना है, उसको बोलेंगे मीडियन फॉर द इवन नंबर्स। और जब आपके पास डिस्क्रीट डेटा है, तब आपने क्या क्या करना है, जो भी आपके पास एन आएगा, सिग्मा एफ इज एन, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा उसको बोलेंगे एन, इसको हाफ में डिवाइड कर देना है एन बाय टू, तो यहाँ सम 200 है, इसका हाफ 100 आ जाएगा। फिर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे लेस देन, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ, जैसे यहाँ 10 है, 10 और 10 से कम 12 है, ठीक है, 12, 20 और 20 से कम, तो यहाँ 20 23 है, 20 से कम 10 था, 10 के 12 थे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, आ जाएगा 35, 30 लेस देन 30, तो ये वाले भी ऐड होंगे, 12, 23, 35 सब ऐड होंगे, 70 हो जाएगा, 40 वाला, ये वाला 70 में 47 भी ऐड कर लेंगे, 117 हो जाएगा। इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे, फिर आप देखेंगे कि n बाय 2 कहाँ फॉल कर रहा है, 100 कहाँ फॉल कर रहा है, तो 100 फॉल कर रहा है 117 में, 70 में तो कम है, 70 में तो 100 है ही नहीं, 70 से ज़्यादा है, आगे है, ठीक है, तो ये 117 में फॉल कर रहा है, तो उसकी क्लास जहाँ पे n बाय 2 फॉल करेगा, उसकी ये जो ऑब्जर्वेशन है वो आपका बन जाएगा मीडियन,
देखिए इस तरह से मीडियन फाइंड आउट करना है, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और n बाय 2 लोकेट करना है कि कहाँ फॉल कर रहा है। हमने ओजाइव कर्व में भी लेस देन फ्रीक्वेंसी और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्कस की थी। मोर देन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, यहाँ आपके पास 200 टोटल है तो लेस देन 10 कितना आएगा, मोर देन 10 कितना आएगा, इसको छोड़ के सारा, 12 से छोड़ के सारा। तो मोर देन फ्रीक्वेंसी अगर आपने निकालनी हो इस डेटा की तो 200 में से 12 आपको माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 8188, राइट 188। फिर उसके बाद आपको ये 23 भी माइनस करना पड़ेगा मोर देन 20 में, क्योंकि 23 तो 20 वाला है, तो 23 भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 5 and 6 165, इसकी मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर 35 भी आपको माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 130। फिर 47 भी आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 83। फिर 38 भी आपको माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 45। फिर 29 भी माइनस करना पड़ेगा 16, और फिर 70 से लेस देन 70 कितने आ जाएंगे 0, मोर देन 70 16 तक ही होगा, और एक्स्ट्रा कर रही हूँ मैं, मोर देन 70 कितने हैं 70 एंड 70 मोर 16, तो ये उल्टा पड़ जाता है। और जब हम इनको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे दिखाएंगे 10 20 30 40 50 60 70, और इस तरफ को भी 10 20 30 ऐसे करेंगे। और जब इस डेटा के हमारे पास दो कर्व आ जाएंगे लेस देन और मोर देन, तो लेस देन में जो आपका आएगा तो 10 के साथ 12 था पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट 20 के साथ 35 था यहाँ तक, फिर आपका 30 के साथ 70 था, 40 50 60 70, तो इस तरह से आपका ये लेस देन कर्व बनेगा। ठीक है, मोर देन कर्व कैसे बनेगा, फर्स्ट के साथ 10 के साथ कहीं 188 आएगा यहाँ पे, फिर 165 और लास्ट में इसके साथ आएगा 16, 70 के साथ आएगा 16 ऐसे, तो ये मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा ऊपर से नीचे को। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको बोलेंगे मीडियन। तो ग्राफिकली आप ऐसे मीडियन निकालते हैं लेस देन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मीडियन। और इस केस में आपने n बाय 2 देखना है कहाँ फॉल कर रहा है। वहीं अगर आपके पास है कंटिन्यूस डेटा तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके पास जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल कर लीजिए, टोटल आपके पास है 1000 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लास्ट में लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है, तो टोटल का हाफ कर लेंगे, 1000 का हाफ आएगा 500, राइट 500 लोकेट कर लेंगे कहाँ पर फॉल कर रहा है, 425 इज लेस 585 इज मोर, तो मोर वाला लेंगे और उस क्लास को बोलेंगे मीडियन क्लास। ये वाली क्लास है आपकी मीडियन क्लास, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस एन बाई टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एफ इंटू एच हाइट। तो L1 यहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये फॉल कर रहा है उसकी लोअर लिमिट, उस क्लास की लोअर लिमिट यानी कि 35, इसमें ऐड करेंगे प्लस, प्लस में क्या आएगा n बाय टू, n बाय टू कितना आया है 500 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, पीछे वाली प्रीसीडिंग वन 425, राइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्लास की 160, और इंटू हाइट कितनी है क्लास इंटरवल की 35 से 40 तक 5 हाइट है, तो इस तरह से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 75, 500 माइनस 425 75, और यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है 35 प्लस
35 प्लस आपका है यहाँ पे 75 डिवाइड बाय 32। 75 डिवाइड बाय 32 कितना आएगा? 75 इंटू 5 डिवाइड बाय 32। 75 इंटू 5 आएगा 375 एंड 375 ओके 5 यहाँ कैंसिल हो गया था। 75 डिवाइड बाय 32 तो इसको आप कर लेंगे। कैसे करेंगे? 32 इंटू 2, 2 2 सा 4, 2 2 दा 2, 64, 64 बच के 11, यानी कि पॉइंट लगेगा तो 110 आएगा। तो 110 आएगा तो 32 4 सा 8, 128 हो जाएगा 3, तो 2.34 ऐसे आएगा, ठीक है 2.34। और इसका 37.34 आपका मीडियन आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से इसको करते हैं। बेसिकली आपने n बाय 2 वाली क्लास लोकेट करनी होती है कि कहाँ फॉल कर रही है, उसके बाद इसको फॉर्मूले में पुट करना होता है। जो आपके पास फॉर्मूला ये दे रखा है, मीडियन इन केस ऑफ कंटिन्यूस डेटा, एल वन प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। लास्ट जो मेजर है दैट इज मोड, और ये वो वाली वैल्यू, वो वाली क्लास होती है, वो वाली ऑब्जर्वेशन होती है जो सबसे ज़्यादा बार आई होती है। मोस्ट कॉमन, मोस्ट टिपिकल, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा इज मोड, ठीक है। द वैल्यू विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इज मोड। तो जस्ट आप देखेंगे अगर डेटा को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9 आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी मोड है जिसकी सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आई हो। जैसे 8 बार बार रिपीट हुआ है तो 8 इसका मोड है। वहीं अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा है उसमें भी आप इजीली लोकेट कर सकते हो कि मोड कहाँ है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, 12, 23, 35, 47, 38, 19, 60। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 47 की, यानी कि 40 इज़ द मोड। वहीं अगर आपके पास कंटिन्यूस डेटा है उस केस में क्या होता है, आपके पास क्लास होती है तो मोड वहाँ पर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली होगी क्लास उसको F1 बोलेंगे, उससे पीछे वाली को F0 और आगे वाली को F2। फिर हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें मोड का फार्मूला है L1, L1 होगा जिस क्लास की हाईएस्ट वैल्यू है उसकी लोअर लिमिट यानी कि 30 इस केस में, प्लस F1 माइनस F0। F1 कौन सी थी? जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, 180। तो F1 हो गया 180 माइनस F0 कितना होगा इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 125। 125 डिवाइड बाय 2 इंटू F1, 180 अपॉन यानी कि 2 इंटू 180 ये लिखा है यहाँ पे, 2 इंटू 180 माइनस F0 माइनस F2, माइनस F0 पीछे वाली, F2 आगे वाली। तो इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो मोड की वैल्यू जो फॉल करेगी इन दोनों के बीच में। वहीं हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड भी है मोड को कैलकुलेट करने का। इसका एक मेरिट है दैट इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली एज वेल। ग्राफिकली कैसे निकालेंगे? इसका आप हिस्टोग्राम बना लेंगे 25 से लेकर जैसे 55 एंड अबव तक है। तो आपने अगर ऐसे हिस्टोग्राम बनाया, ठीक है, तो 25 मान लो यहाँ पे है, 25, 30, 35 इस तरह से, 30 ये हो गया 25, ये हो गया 30, ये हो गया 35, ये हो गया 40, ये हो गया 45, ये हो गया 50, ये हो गया 55, ये हो गया 60, ये हो गया 65 और इस तरह से आगे तक ग्राफ है ये मान लो, ठीक है 55 एंड अबव तक। दूसरी तरफ आपके पास है फ्रीक्वेंसीज 100 से लेकर 160, 180 तक। तो आप इस तरह से रख सकते हो, मान लो ये हो गया 100, ये हो गया 110, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ठीक है 180 तक। 80 है, 70 है, 60 है, 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 110 है।
तो ग्राफ बनाएंगे इसका, हिस्टोग्राम जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूस डेटा के लिए बनता है। बिलो 25 इज 120, 25 से नीचे है जो वैल्यूज वो 125 तक है। नेक्स्ट है आपका 30 से 35 तक, 25 से 30 तक 125, ठीक है, फिर आपका 125 तक है, फिर उसके बाद वैल्यूज आपकी 180 तक है, 180 तक है। ग्राफिकली कैसे मोड निकालना है, ठीक है, तो ये आपका 180 वाला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला रेक्टेंगल, फिर आपका 160 तक है, 160 तक है, फिर आपका 150 तक है, 150 तक है, फिर आपका 140 तक है, फिर आपका 100 तक है, 100 तक इस तरह से, और फिर 25 तक है, इस तरह से है डेटा। ये आपके पास डेटा है, आपने मोड कैसे निकालना है, ये जो आपका ये वाला है अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट, इसको आपने जोड़ देना है, ठीक है, ऐसे जोड़ देना है इस तरह से, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है उसको आप नीचे लाएंगे परपेंडिकुलर लाइन से, और वो वाली वैल्यू पड़ेगी आपकी मोड की वैल्यू। तो इसका मेथड है, हिस्टोग्राम से आप ग्राफिकली भी मोड की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 33 समथिंग इसकी वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो ग्राफिकल मेथड से, हिस्टोग्राम के मेथड से। क्या करेंगे, ये जो आपके लोअर और अपर लिमिट है हाईएस्ट मोड वाली फ्रीक्वेंसी के, इनको आप एडजेसेंट जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनसे जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है और ये इसके साथ साथ वाला है, ये इसके साथ वाला है, तो इसकी अपर को जोड़ेंगे और इसकी लोअर को जोड़ेंगे ऐसे, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो वाला जो नीचे क्लास में x की वैल्यू आएगी वो आपका मोड होगा। तो इस तरह से मोड भी आप निकाल सकते हो। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, दिस इज वन ऑफ द मेरिट ऑफ मोड। और ओपन एंड इंटरवल में भी इसको निकाल सकते हो। आप देखो यहाँ पे डेटा ओपन एंड इंटरवल था, यहाँ पे हमें लोअर लिमिट नहीं पता है, यहाँ पे हमें अपर लिमिट नहीं पता है, फिर भी हमने मोड निकाल लिया। एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज से ही अफेक्ट नहीं होता है। और ये इसकी चार मेरिट्स हो गई। डीमेरिट्स की बात करें तो सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं होता है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से भी अफेक्टेड होता है, फर्दर इसकी कोई एलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं है, और ये रिजिडली डिफाइंड भी नहीं है। इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड, कोई इसका रिजिड मेथड नहीं है इसको डिफाइन करने का, तो ये इसकी लिमिटेशन है। मीन मीडियन मोड के बीच में एक रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है, उसका फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 median - 2 mean। सो ये था मीन मीडियन मोड पे छोटा सा वीडियो लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।